अन अकेडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अन अकेडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अन अकेडमी पर जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आप आ चुके हैं मेरे पूरे एक नए पूरे वीडियो में, और यहाँ पे मैं RRB और NTPC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन आपको करवाऊँगी, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपने जितना अभी तक पढ़ लिया है उससे रिलेटेड आपको कितनी चीज़ें याद हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको SSC के एग्जामिनेशन में भी हेल्पिंग होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप RRB और NTPC के एग्जाम के लिए ही ये आपको हेल्पिंग होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है तो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए आपका इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है, जबलपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2003 को मध्य रेलवे केंद्रीय रेलवे क्षेत्र जो है उसको उसके जो जबलपुर और भोपाल डिवीज़न है उसको फिर से पुनर्निर्मित किया भी गया है। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछेगा कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ पे लोकेटेड है तो जबलपुर में लोकेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया क्वेश्चन कि एम्पियर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार्ज, पावर, वोल्टेज और एनर्जी। ठीक है, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने यूनिट वगैरह पढ़ा होगा, मात्रक मैंने भी आपको अलग से भी पढ़ाया हुआ था। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों चार्ज। ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड जो है ये किसका यूनिट है, ये आपका चार्ज का यूनिट है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है आपका कि एम्पियर सेकेंड जो है वो आपका एक सेकेंड में आप एक एम्पियर द्वारा कितनी राशि के बराबर जो विद्युत शुल्क होता है उसकी इकाई को ही हम लोग, उसकी इकाई आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर ऐसे फॉर्मूले के बेसिस पे बात करूँ तो Q इज इक्वल टू IT आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका इस हम लोग ऐसे हम लोग एम्पियर सेकेंड को जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता सकते हैं तो आप बिल्कुल बताइए। पावर का यूनिट बताइएगा मुझे, आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, पावर का यूनिट बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाई थ्री व्यूज इज नोन एज, पूछा गया है कि किसी वस्तु का प्रक्षेपण जिसमें तीन दृश्यों द्वारा वस्तु को दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोस्पेक्टिव, ऑब्लिक्यू, ऑर्थोग्राफिक, नन ऑफ देम। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग अलग अलग मतलब प्रोजेक्शन पे उसको तीन अलग व्यू से देख रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपने पढ़ी होंगी क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने हमारे चैनल में ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे सभी तरीके के क्वेश्चन जो है वो मर्ज करके हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु को प्रक्षेपण में तीन दृश्यों द्वारा अगर अलग अलग जो है हम लोग उसको देखते हैं, तीन अलग अलग दृश्यों से देखते हैं तो उसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक या फिर लंब कोणीय बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को देखना है तो उसके तीन पार्ट होते हैं, एक आपका होता है सम्मुख दृश्य होता है, एक आपका होता है अनुविक्षेप और एक आपका होता है पार्श्व दृश्य। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा जो है हम लोग जो हमारा जो सम्मुख दृश्य है जो और उसके अलावा जो अनुविक्षेप है वो दो से हम लोग देख लेते हैं आराम से, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तब उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को सम्मुख दृश्य, अनुविक्षेप और पार्श्व दृश्य तीनों चीज़ें तीनों व्यू से देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया है फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन हीट ट्रांसफरिंग सरफेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज। ठीक है, बोला गया कि ताप स्थानांतरक पृष्ठ जो है वो क्यों लगाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके लिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हीट ट्रांसफर एरिया, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट,
तीसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, चौथा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ताप स्थानांतरक पृष्ठ जो है वो क्यों लगाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ये चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, हम लोग हीट ट्रांसफर एरिया को एक्सपैंड कर सकें इसके लिए हम लोग जो है फिन्स जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आपका फिन्स होता है इसको हम लोग हीट ट्रांसफरिंग सरफेस के तौर पे जो है इंक्रीज़ करने के लिए लगाते हैं, ताकि जो आपका जो उसका सरफेस है वो क्या हो जाए, उसका एरिया जो है वो थोड़ा उसमें वृद्धि हो जाए, वो थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपने न्यूटन का कूलिंग लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये है, ये शीतलन में, उनके शीतलन नियम में ये बताया गया है कि मान लीजिए हम लोग किसी भी एरिया का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग कोई भी सरफेस एरिया जो है उसका वैल्यू अगर बढ़ा दे रहे हैं तो हीट ट्रांसफर रेट भी बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो उष्मा स्थानांतरण दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 40। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का योगफल 40 है एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4, और इनका जो डिफरेंस है, जो इनका अंतर है वो 4 है। ठीक है, तो आपको दोनों का रेशियो बताना है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए दोस्तों अगर मैथ्स के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 11:9, 11:18, 22:9 और 17:13। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, थोड़ा सा आपको उसको सॉल्व जरूर करना होगा। तो देखिए अब अगर आप कॉपी लेके बैठ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको दो नंबर का जो एडिशन है वो 40 लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, एक x रख लीजिए और एक y रख लीजिए। ठीक है, अब दोनों को प्लस करिए, x प्लस y इक्वल टू 40 लिख दीजिए, आपका पहला एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप बनाइए x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आप क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करिए, जब आप इन दोनों आप एक इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 44 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2x इक्वल टू 44। ठीक है, और तब आप वहाँ पे जब 2x इक्वल टू 44 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 आएगा। भैया 2x है तो 2 इस पार आएगा, तो 44 भागे 2 करेंगे तो कितना, 22 ही ना आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, जो आपका समीकरण फर्स्ट है, जो आपका पहला वाला समीकरण है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 40 वाले इक्वेशन में आपको x की वैल्यू 22 वहाँ पे आप रख दीजिए। तो अब आप जब रख दीजिए 22 प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसके हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 40 माइनस 22। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 40 माइनस 22, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मान आपको पता चली गया, x की वैल्यू 22 और y का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, तो 22:18 आया ना। अब 22:18 को जब आप थोड़ा सा और उसको सॉल्व कर देंगे तो वो आप उसको आराम से 22 को 2 से ख़त्म कर दीजिए, तो एक आएगा, 22 को 2 से ख़त्म करेंगे तो 11 आएगा, और 18 को 2 से ख़त्म करेंगे तो 9 आएगा, तो 11:9। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देखा, ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब इसमें आते हैं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, पूछा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्योतिबा फुले, दूसरा है जे के गोखले, तीसरा है बी जी तिलक, चौथा है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या है आपका, कि जो उसमें सही ऑप्शन है वो है आपका बी, जी के गोखले। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, जी के गोखले। इन्होंने दोस्तों, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अपनी जो है, ये इसका गठन किया था महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को। ठीक है, 12 जून 1905 को इसका गठन उन्होंने किया था, जी के गोखले ने। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों वो इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके और अंग्रेजों को भारत से छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। ठीक है, बात समझ में आई आपके, तो जी के गोखले वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कि पावर लेस इज अ रेजिस्टर इज गिवन बाय, पूछा गया किसी भी प्रतिरोधक में
शक्ति क्षति को व्यक्त किया जाता है, तो किसी भी प्रतिरोध में शक्ति क्षति जो है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अधूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, आप अपना कॉपी पेन लेके सॉल्व करिए। वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब अगर उस हिसाब से आप डिराइव करने के लिए बैठेंगे तो आपका, देखिए ऑप्शन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे भी फुल ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, आधा देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब एक जैसा लग रहा है देखने में। v अपॉन आर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका है v अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सही कर लीजिए, v अपॉन आर स्क्वायर है। तीसरा ऑप्शन दिया है v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया है v स्क्वायर अपॉन आर। अब आपको चारों में से सही ऑप्शन बताना है कि पावर लेस रेजिस्टर जो है वो हम लोग कैसे उसको दिखाएंगे। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं ओम के नियम पे। तो ओम का नियम की अगर बात करें तो आपका V इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम का नियम, तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू वी आई आ जाएगा। ठीक है, तब आप जब वहाँ पे I का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे I का मान आपका V अपॉन आर आएगा। ठीक है, तो जब उसको आप V अपॉन आर इंटू वी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इसका इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलिए तो आज दोस्तों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपके RRB और NTPC के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप कोर्स में खुद को इनरोल कर लेते हैं। तो कोर्स में खुद को इनरोल कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप डेली बेसिस पे यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलते रहेंगे। आपने देखा ही होगा कि मैं अपने चैनल पे बायोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, फिजिक्स से भी रिलेटेड मैंने लेसन्स आपको अपलोड किए हैं आपके लिए, उसके अलावा करंट अफेयर्स सर आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम लोगों का जो टाइम का मैनेजमेंट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप लोग तक टाइम से वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है क्योंकि बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल है हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी पे भी हम लोग एजुकेटर्स हैं तो वहाँ पे भी टाइम देना होता है और यहाँ पे भी देना होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ हमारे साथ प्लीज़ बने रहिएगा। काफ़ी बच्चे जो हैं वो जो नहीं, उनको टाइम से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और हम लोग अपने चैनल पर कंटिन्यूटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।